घर में शावर लगाना है और समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला काम, आप ये चूज करो कि आपको सीलिंग माउंटेड शावर लगाना है कि वॉल पे शावर लगाना है। पहले जमाने में दीवार पे शावर लगा करता था और अब सीलिंग माउंटेड शावर लगने लगे हैं। पीओपी को काट के या आपके सीलिंग पैनल को काट के शावर अंदर लगाया जाता है, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, तो आपको प्रेशर पंप भी लगाना पड़ता है। अगर आपने सीलिंग माउंटेड शावर लगाया है और आपका घर टंकी के पास है तो आपको उतना प्रेशर नहीं आएगा, तो उसके लिए एक प्रेशर पंप भी लगाना पड़ेगा। तीसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको अपने शावर का साइज देखना होगा। आपका बजट कैसा है? आपका बजट 500 रुपए का है, 2000 का है, 15000 का है, 50000 का है, इवन 15 लाख का भी शावर आता है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ शावर आते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप शावर लगा सकते हो। और शावर में कोई जरूरी भी नहीं होता कि आप ब्रांड का शावर ही लगाओ। कोलर, ग्रोहे, हैंस ग्रोहे, एक्सॉर, ऑयस्टर, बहुत सारे ब्रांड हैं शावर के, आप कोई भी शावर का ब्रांड लगा सकते हो। अब बात आती है डिजाइन की। अब डिजाइन भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, स्क्वायर शावर भी है, रेक्टेंगुलर भी है, ओवलिश भी है, राउंड भी है। अब आपकी जो थीम चल रही है ना बाथरूम की, आपने जिस तरीके की फिटिंग्स, सीपी फिटिंग्स ली है बाथरूम में, वैसे शावर के साइज को और थीम को और एरिया को चूज कर सकते हैं। अब हाइट, हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। किसी का बाथरूम 8 फुट है तो किसी का 9 फुट तो किसी का 11 फुट। अगर 11 फुट का बाथरूम है हाइट में, तो आपको बड़ा शावर लगाना ही पड़ेगा। साइज ले लीजिएगा 24x24 या 30 इंची x30 इंची या 24x30 इंची, बहुत सारे टाइप के शावर आते हैं। अगर हाइट छोटी है तो मैं बोलूंगा ज्यादा बड़ा शावर लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी छोटा दिखता है और बहुत ज्यादा आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको शावर का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि आपको कौन सा शावर पसंद है, मैं उसकी डिटेल्स आपके डायरेक्ट मैसेज में भी भेज दूंगा।